डॉक्टर से दरिंदगी की जांच कर रही कोलकाता पुलिस जल्दबाजी में कुछ भी कहने से बच रही है। इसकी एक वजह ये भी हो सकती है क्योंकि शुरुआती जांच में आरोपी संजय राय के तार कोलकाता पुलिस से जुड़ते नजर आ रहे हैं। आरोपी संजय राय कोलकाता पुलिस का सिविक वॉलंटियर बताया जा रहा है, जिस पर कोलकाता पुलिस ने चुप्पी साध रखी है। इधर पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए कोलकाता के जूनियर डॉक्टर और पैरा मेडिकल स्टाफ ने हल्ला बोल दिया है। कोलकाता में कैंडल मार्च से लेकर धरना प्रदर्शन तक सब जारी है। मैं जहां पे खड़ा हूं, मेरे पीछे जो आपातकालीन बिल्डिंग है वहां की चौथी मंजिल पे एक सेमिनार रूम है। रात को नाइट ड्यूटी कर रहे थे वो डॉक्टर और वहां पे उनको रेप किया गया, फिर उनका मर्डर किया गया। ऐसा ही पोस्टमार्टम के बाद जो लोग जांच कर रहे हैं उनका कहना है। इस सिलसिले में एक यहाँ के जो कर्मचारी है वो डायरेक्टली यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन यहाँ पे वो आते जाते रहते हैं, बाहर ही है, फिर भी हर वक्त यहाँ अस्पताल के अंदर वो मिलते हैं। ऐसे एक संजय राय नाम का एक व्यक्ति को अभी गिरफ्तार किया गया है। यहाँ पे मैं तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि भारी मात्रा में यहाँ पे डॉक्टर लोग वो यहाँ पे बैठे हैं और उनका कहना है कि असुरक्षा का माहौल है और उन्हें सुरक्षा चाहिए, क्योंकि नाइट ड्यूटी जब करते हैं ये डॉक्टर लोग, उनका कहना है कि उनका सिक्योरिटी क्या है। विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्र पीड़िता को जल्द से जल्द न्याय देने की मांग कर रहे हैं, तो एक मांग आरजीकर मेडिकल कॉलेज की सुरक्षा से भी जुड़ी है। मेडिकल स्टूडेंट से लेकर आरजीकर मेडिकल कॉलेज में तैनात डॉक्टर तक कह रहे हैं कि कॉलेज परिसर में सीसीटीवी से लेकर सुरक्षा गार्ड्स तक सिक्योरिटी का कोई मुकम्मल बंदोबस्त नहीं है। इंस्टॉलेशन ऑफ सीसीटीवी एट रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स एज पर देयर रिक्वायरमेंट्स एंड सिक्योरिटी गार्ड्स 24/7 कवरेज मस्ट बी प्रोवाइडेड। हॉस्पिटल में रेप और मर्डर की घटना ने पश्चिम बंगाल की सियासत में आग लगा दी है। मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी के साथ कांग्रेस और वामपंथी दल भी मैदान में हैं। पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार पर लॉ एंड ऑर्डर फेलियर का आरोप लग रहा है। डॉक्टर से दरिंदगी की जांच सीबीआई से कराने की मांग तेज हो गई है। ये बहुत ही शर्मनाक घटना है और सरकार को इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए और इसका इन्वेस्टिगेशन हम चाहते हैं कि सीबीआई के द्वारा हो। अब्यूज्ड द लेडी डॉक्टर एंड रेप्ड हर एंड फाइनली मर्डर्ड एंड देन रन अवे। थरो इंक्वायरी इन दिस इंसिडेंट एंड द यू नो अक्यूज शुड बी पनिश्ड। दिस काइंड ऑफ सिचुएशन शुड नॉट हैपन इन यू नो द फ्यूचर। मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर से रेप और मर्डर की घटना को लेकर बीजेपी पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी पर चौतरफा हमला कर रही है, तो कांग्रेस और सीपीआई के नेता भी टीएमसी को निशाना बना रहे हैं। ऐसे में अब टीएमसी भी पलटवार के मूड में नजर आ रही है। ये सीपीएम वामपंथियों और भाजपा वो जो पॉलिटिक्स कर रहा है, पॉलिटिक्स ऑफ भालचर, शकुन जैसा पॉलिटिक्स कर रहा है, वो उसका कोई अधिकार नहीं है। हमलावर विपक्ष और सड़क पर आए छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। ममता बनर्जी ने धरना प्रदर्शन कर रहे रेजिडेंट डॉक्टरों की मांगों का समर्थन किया है। ममता बनर्जी ने कहा कि मैंने फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस ले जाने का निर्देश दिया है। ममता ने दो टूक लहजे में आरोपियों को फांसी दिलाने की बात कही है। ममता बनर्जी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर क्लियर करके बता दिया कि उनका अगर दूसरा कोई एजेंसी भी इन्वेस्टिगेशन करे तो स्टेट गवर्नमेंट का कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। जो जो क्रिमिनल है उसका हाईएस्ट पनिशमेंट हम लोगों का डिमांड है। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, सी टूक इनिशिएटिव, सी हैज स्पोकन टू द फैमिली मेंबर्स, सी इंस्ट्रक्टेड पुलिस टू टेक स्ट्रॉन्ग एक्शन एंड टू डू इन्वेस्टिगेशन इमीडिएटली अंडर फास्ट ट्रैक कोर्ट। द इन्वेस्टिगेशन is going on, one has been arrested and it has been ensured that not a single culprit will be spared. पश्चिम बंगाल सरकार ने मामले की जांच के लिए पहले ही SIT का गठन कर दिया है। घटना स्थल से मिले हर एक साक्ष्य को खंगाला जा रहा है, स्टाफ से पूछताछ की जा रही है। कोलकाता पुलिस को कोर्ट से आरोपी संजय राय की 14 दिन की रिमांड भी मिल गई है।
मुमकिन है कि आरोपी से पूछताछ में मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर से दरिंदगी में शामिल कई और नाम सामने आए।